हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते हुए आइकन ओपन आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पे जाना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पे, सॉरी बैक करना है, और आपको बैक करके इस पे जाना है ऐप सेटिंग पे। तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जाना है ऐप्स पर, तो जो कीबोर्ड की प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो भी कीबोर्ड की प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए कीबोर्ड डाटा को यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही कीबोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।